नीचे थोड़ा रखो ना जो राज्य संसदीय बोर्ड का प्रस्ताव आया था, बिहार का हो, झारखंड का हो, अन्य राज्यों का हो, उस प्रस्ताव पर विशद चर्चा के दौरान ये तय किया गया कि राज्य में उम्मीदवार चयन पूरे विमर्श के बाद हमारी सारी इकाई ने और संसदीय बोर्ड ने ये तय किया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। ये अधिकृत उन्हें केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने जो अलग अलग राज्यों के संसदीय बोर्ड के हवाले से कहां ले जाए सहमति आई। दूसरी बात, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है कि सम रुझान के दल, सम वैचारिक रुझान के दल के साथ गठबंधन की संभावना और उस पर लगाने को अधिकृत किया गया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में चर्चा के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को लोकसभा चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव के लिए उम्मीदवार चयन करने का को अधिकृत किया गया है। साथ ही सम रुझान के दलों के साथ गठबंधन को फाइनल शेप देने का, अंतिम आकार देने का ये भी उन्हें अधिकृत किया गया है। हमारे तमाम नेताओं ने चर्चा के बाद ये भी तय किया गया कि पुलवामा में आतंकी हमलों में शहीद हुए जवानों के साथ संजीदगी दिखाते हुए, पूरे मुल्क के साथ एकजुटता दिखाते हुए राष्ट्रीय जनता दल इस वर्ष होली का त्योहार नहीं मनाया। गठबंधन का काम, उसके लिए अलग से सारी बातें होंगी, सब कुछ रास्ते पे है। ऑल इज वेल। महागठबंधन की बैठक होगी, गठबंधन की बैठक तय होते ही आपको सूचना दे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।